हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमेडी की। दोस्तों, कॉमेडी बेसिकली इमिटेशन ऑफ मैन, यानी इंसान जो काम करते हैं, वो जो एक्शन करते हैं, उनको कॉपी करने को ही कॉमेडी कहते हैं। और ये एक्शन की जो इमिटेशन होती है, किसी इंसान के काम करने की जो नकल होती है, वो कैसी होती है? वर्स देन एवरेज। यानी जैसे इंसान काम करता है, कुछ हंसी मजाक के काम करता है, तो उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, वर्स यानी बुरा कर दिखाना, अच्छा नहीं दिखाना, बेटर नहीं करना है। यहाँ आपको वर्स याद रखना, अगर आप बेटर देन एवरेज करेंगे तो वो ट्रेजेडी बन जाता है। लेकिन कॉमेडी में बेटर नहीं करते उस एक्शन को, बल्कि कैसे कर दिखाते हैं? वर्स देन एवरेज, यानी एवरेज से बुरा दिखाना। तो कॉमेडी में इंसानों की जो इमिटेशन की जाती है, उनके कामों की, उनके एक्शन की जो नकल की जाती है, वो वर्स देन एवरेज, जो एवरेज तौर पर हम काम करते हैं, हम एक्शन करते हैं, उससे बुरा दिखाया जाता है। यानी इंसान इतना पागल नहीं होता जितना कॉमेडी के अंदर दिखाया जाता है, इंसान इतना हंसी मजाक नहीं करता जितना कॉमेडी के अंदर दिखाया जाता है, इंसान के अंदर इतना सेंस, बिल्कुल सेंस लेस भी नहीं इंसान होता कि एक दूसरे को पहचानना ही बंद कर दे, लेकिन कॉमेडी में ऐसा ही दिखाया जाता है। तो कॉमेडी ये बेसिकली इमिटेशन ऑफ मैन है, यानी इंसानों के काम की नकल करने को कॉमेडी कहते हैं। और जब ये नकल की जाएगी, वो इमिटेशन क्या जाएगा, वो वर्स देन एवरेज, जैसे आम तौर से इंसान होते हैं, उससे बेकार कर दिखाया जाता है। इतना समझ आ गया है? बस यही है कॉमेडी, ठीक है। एरिस्टोटल ने कॉमेडी की डेफिनेशन दी है, एरिस्टोटल के शब्दों में देखते हैं क्या कहता है एरिस्टोटल। कॉमेडी इज एन इमिटेशन, ये आपको याद ही रखना है कि कॉमेडी बेसिकली एक इमिटेशन होती है, किसकी? ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स का, किरदारों का, ऑफ अ लोअर टाइप, या और वो जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे होंगे? लोअर टाइप, निचले तबके के होंगे, यानी बहुत बड़े कैरेक्टर नहीं होंगे, राजा महाराजा इस तरह के लोग नहीं होंगे, बल्कि कॉमेडी में जिन कैरेक्टर्स को हम लेते हैं, वो कैरेक्टर्स लोअर टाइप के होते हैं, निचले दर्जे के वो लोग होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। यहाँ पर अगर आप एरिस्टोटल की बात करेंगे, तो एरिस्टोटल ने एक तरफ ट्रेजेडी को रखा है और दूसरी तरफ उसने कॉमेडी को रखा है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को बहुत अच्छा बताया है। यहाँ पर इसने बताया है ना कि इंसानों के जो एक्शन है, उनको जब इमिटेट किया जाता है, उनकी इमिटेशन की जाती है, तो वो वर्स की जाती है, यानी बुरा कर दिखाया जाता है। जबकि ट्रेजेडी में वो यही बात करेगा, लेकिन वहां पर बेटर कवर्ड इस्तेमाल करेगा, यानी अच्छा कर दिखाया जाता है। यहाँ पर इसने कहा लोअर टाइप या निचले तबके के जो इंसान है, उनकी नकल की जाती है, जबकि ट्रेजेडी में जो बड़े कलाकार होते हैं, जो हाईएस्ट कैरेक्टर होते हैं, उनकी इमिटेशन की जाती है। तो कॉमेडी में कितनी चीजें समझ आई अभी आपको? आपको दो चीजें समझ आ गई हैं। पहली बात यह है कि कॉमेडी इंसानों के एक्शन को नकल करने को कॉमेडी कहते हैं, और जब ये इमिटेशन की जाती है, वो एवरेज से बेकार की जाती है, यानी उनके कामों को जैसा वो करते हैं आमतौर से, उससे बेकार कर दिखाया जाता है, आप इसको ऐसे कह सकते हैं। एरिस्टोटल ने कहा है कि वही कि कॉमेडी कैरेक्टर्स की जो एक इमिटेशन है, उसको कॉमेडी बोलते हैं, और ये जो इमिटेशन है, हमेशा ही वो निचले तबके के लोगों की जाती है। आगे कहा है कि इट इज अ लिटरेरी जोनरा दैट इज अम्यूजिंग एंड सटायरिकल इन टोन। ये आपको याद रखना है कि बेसिकली जो कॉमेडी है, ये भी एक लिटरेरी जोनरा है, जैसे कि ट्रेजेडी है, एपिक है, और बहुत सारी चीजें हैं, इसी तरह कॉमेडी भी एक लिटरेरी जोनरा है, यानी साहित्य का ही एक क्षेत्र है। और ये अम्यूजिंग, यानी इसका काम है कॉमेडी का कि ये थोड़ा सा हंसी मजाक कराती है, और सटायरिकल इन टोन, और कॉमेडी के अंदर सटायर किया जाता है। अगर आपको किसी को सटायर करना होता है, तो दो तरीके होते हैं कि या तो आप उसको गाली दे दें सीधी सीधी, या फिर आप उसको इनडायरेक्टली हंसी मजाक करते हुए कुछ शब्द उसको बोलते हैं। तो कॉमेडी का ये क्या है? कॉमेडी बेसिकली साहित्य का ही एक क्षेत्र, एक लिटरेरी जोनरा है, जिसका मतलब है अम्यूजिंग, कुछ हंसी मजाक कराना, एंड सटायरिकल इन टोन, और इसकी जो टोन होती है, वो किसी ना किसी सामाजिक मुद्दे पर सटायर कर रही होती है। इट रेफर्स टू द प्लेस दैट एंटरटेनिंग एंड इवोक लाफ्टर। ये कह रहे हैं कि ये ऐसे प्ले को बताती है, कॉमेडी ऐसा प्ले है
जो एंटरटेन कराता है एंड इवोक लाफ्टर और हंसी मजाक कराता है। ठीक है, देखो ट्रेजेडी में तो आप सीरियस रहेंगे और एपिक में भी आप सीरियस रहते हैं, लेकिन कॉमेडी बेसिकली आपको एंटरटेनमेंट कराने के काम आता है और आपको हंसी मजाक जो इस तरह की जो लाफ्टर जो वो होती है वो भी आपके अंदर इवोक करता है करती है कॉमेडी और जो आपके अंदर क्रिएट करती है। तो कॉमेडी में ये चीज आपने समझ ली है कि कॉमेडी इंसानों के जो एक्शन है उनको कॉपी करने को कॉमेडी कहते हैं, और जब ये कॉपी की जाती है बुरे यानी उनके एक्शन को बुरा कर दिखाया जाता है। एरिस्टोटल ने भी यही कहा है कि कैरेक्टर की इमिटेशन को कॉमेडी कहते हैं, और ये जो कैरेक्टर होंगे ये निचले तबके के होंगे, यानी राजा महाराजा को नहीं दिखाना बल्कि छोटे लोगों को दिखाना है। कॉमेडी इसका काम यही है कि सबसे पहले तो ये एक लिटरेरी जॉनर है, साहित्य का ही एक क्षेत्र है, और इसका मतलब होता है हंसी मजाक कराना, और इसकी जो टोन है वो बहुत ज्यादा सटायरिकल होती है। ये एक ऐसा प्ले है जिसका काम है एंटरटेनमेंट कराना, कुछ हंसी मजाक कराना, और या हंसना हंसाने का काम कॉमेडी का होता है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है उसको कॉमिक हीरो, यानी जो भी इसका हीरो होगा कोई ना कोई तो हीरो होगा, तो कॉमेडी के हीरो को हम कॉमिक हीरो कहते हैं, पहली कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, मिस्टेकन आइडेंटिटीज डिस्गाइज्ड कैरेक्टर, ये कह रहे हैं कॉमेडी में अक्सर जो देखने को मिलता है डिस्गाइज्ड कैरेक्टर होंगे, यानी बहरूपिए कोई किसी के जैसा बन जाएगा कोई किसी के जैसा बन जाएगा, एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपने जो शेक्सपियर की कॉमेडी पढ़ी है आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे को पहचानते नहीं है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसकी इसका हीरो जो इसका प्रोटागोनिस्ट है उसको कॉमिक हीरो कहते हैं, जबकि दूसरी जो खास इम्पोर्टेंट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो यही है कि इसके कैरेक्टर अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं और उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। फोकस ऑन इविल ऑफ द सोसाइटी, और इसका एक काम ये होता है क्योंकि सटायर करते हैं कॉमेडी से, आप क्या करते हैं आप सटायर करते हैं, तो इसका एक काम ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनके ऊपर सटायर किया जाता है, उनके ऊपर फोकस किया जाता है। रिडिकुलस कैरेक्टर्स थ्रू सटायर, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कैरेक्टर क्या है वो हंसी मजाक करता है लेकिन थ्रू सटायर, वहां पर वो सटायर करते हुए यानी वो मजाक भी कर रहा है कैरेक्टर और वो सटायर भी कर रहा है। और कह रहे हैं कोइंसिडेंस बहुत ज्यादा होती है, यानी ऐसा होने वाला नहीं था लेकिन कोइंसिडेंस आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। और डील्स विद एवरीडे लाइफ एंड ह्यूमर्स इवेंट्स, ये कह रहे हैं और जो कॉमेडी है इनकी जो थीम है वो बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थीम तो नहीं होती बल्कि एवरीडे लाइफ हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसके अंदर जो कुछ चीजें पेश आने वाली हैं जिनसे हम डेली गुजरते हैं ऐसी चीजों के साथ में कॉमेडी रिलेट करती है। इट इज अ टाइप ऑफ थिएटर विद अ हैप्पी एंडिंग, ये कह रहे हैं कि ये एक थिएटर का ही टाइप है और हैप्पी एंडिंग, और ये भी आपको बात याद रखनी है कि इसकी हमेशा ये जो कॉमेडी है उसकी एंडिंग कैसी होती है, उसकी एक हैप्पी एंडिंग होती है। ठीक है, ट्रेजेडी की एंडिंग जो होती है वो बहुत ही दुखदायी होती है, खून खराबा होता है, ब्लड शेड होता है, लेकिन कॉमेडी की जो एंडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। अगर कपल की शादी होने वाली होती है तो उनको शादी करा दी जाती है, अगर दो बिछड़े हुए भाई हैं या बहन है उनको आपस में मिला दिया जाता है, इस तरह की चीजें। तो कॉमेडी की हमेशा जो एंडिंग होगी वो हैप्पी एंडिंग होगी। अच्छा, कॉमेडी के टाइप्स भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, हालांकि इसकी हम कभी डिटेल में बात करेंगे अलग अलग से, लेकिन फिलहाल आप इनके नाम याद रख लें। क्लासिकल कॉमेडी होती है, फार्स ये भी कॉमेडी का टाइप है, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स एंड ट्रेजिक कॉमेडी। ट्रेजिक कॉमेडी पर शेक्सपियर ने काफी लिखा हुआ है। तो ये हमारे कॉमेडी के टाइप्स हैं, कौन कौन से, क्लासिकल कॉमेडी, फार्स, रोमांटिक, फार्स को आप अलग से याद कर लेना लेकिन ऐसे याद कर लें, क्लासिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स और ट्रेजिक कॉमेडी फार्स। एग्जाम्पल आप इसका अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर का है, एज यू लाइक इट ये भी शेक्सपियर का है। तो मुझे लगता है कि आपने कॉमेडी के बारे में काफी कुछ जान लिया है, इसके कैरेक्टरिस्टिक भी आपको पता होने चाहिए, इसके टाइप्स भी आपको पता होने चाहिए और एक आधा एग्जांपल भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए इतना काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।